हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका अनअकैडमी ऐप का एजुकेटर विवेक कुमार यूवी कंपटीशंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में MCQ करंट अफेयर्स जीके। साथियों, आज 1 जुलाई 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हमारा ये करंट अफेयर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं ऑल कंपटीशन एग्जाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम्स। साथियों, मैं अनअकैडमी ऐप पर एजुकेटर हूँ, तो अनअकैडमी ऐप पर मेरे द्वारा राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट, हाउ मैनी कास्ट हैव बीन इंक्लूडेड इन शेड्यूल कास्ट बाई UP गवर्नमेंट। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुल कितनी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया है? उत्तर ऑप्शन ए है 11 जातियों को, ऑप्शन बी 17 जातियों को, ऑप्शन सी 19 जातियों को, ऑप्शन डी 22 जातियों को। उत्तर प्रदेश सरकार, जिसके कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया है। तो इसका राइट आंसर की बात की जाए तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 17, यानी कि 17 जातियां, 17 कास्ट, 17 जातियां। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर रामविलास पासवान हैज अनाउंस्ड ए प्लान फॉर द नेडी पीपल हुज नेम इज। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, जो कि खाद्य मंत्री है, उन्होंने जरूरतमंद लोगों के हेतु एक योजना की घोषणा की है, जिसका नाम है ऑप्शन ए माय रेशन माय राइट्स, मेरा राशन कार्ड मेरा अधिकार, ऑप्शन बी वन कंट्री वन रेशन कार्ड, एक देश एक राशन कार्ड, ऑप्शन सी रेशन टू ऑल, सभी को राशन, और ऑप्शन डी रेशन ऑफ एवरीवन, सबका राशन सबका अधिकार। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वन कंट्री वन रेशन कार्ड, यानी कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने घोषणा की है कि सभी पूरे देश में एक ही राशन कार्ड होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वन कंट्री वन रेशन कार्ड। नेक्स्ट, सऊदी अरबिया हैज इंक्रीज द हज कोटा ऑफ इंडियंस फ्रॉम 170,000। सऊदी अरब ने भारतीयों का हज कोटा 1,70,000 से बढ़ाकर कर दिया है। ऑप्शन ए 2 लाख 2 लाख रुपए, ऑप्शन बी 2.5 लाख 2.5 लाख रुपए, ऑप्शन सी 2.9 लाख 2.9 लाख रुपए, ऑप्शन डी 3 लाख 3 लाख रुपए। मेरे प्यारे साथियों, सऊदी अरबिया, जहाँ पर मक्का मदीना स्थित है और लोग हज की यात्रा पर जाते हैं, तो भारतीय जो यात्री हज के लिए जाते हैं उनका कोटा सऊदी अरब ने 1,70,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2 लाख रुपीज। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द अनाउंसमेंट मेड बाय रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल, नाउ हाउ मेनी परसेंट पोस्ट विल बी वुमेन बी रिक्रूटेड। रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अब कितने प्रतिशत पदों पर महिलाओं की भर्ती होगी? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 15% 50%, ऑप्शन सी 45% 45%, ऑप्शन डी 70% 70%। साथियों, रेल मंत्री पीयूष गोयल की घोषणा के अनुसार लगभग 50% पदों पर महिलाओं की भर्ती की जाएगी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 15% 50%। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, द बॉम्बे हाई कोर्ट हैज रिसेंटली रिड्यूस्ड महाराष्ट्र मराठा रिजर्वेशन बाई 60%। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को 16% से घटाकर कर दिया है। ऑप्शन ए 10 से 11%, ऑप्शन बी 12 to 30%, 12 से 13%, ऑप्शन सी 13 to 40%, 13 से 14%, और ऑप्शन डी 14 to 15%, 14 से 15%।
साथियों महाराष्ट्र की जो हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट, उसने महाराष्ट्र में जो मराठाओं को जो आरक्षण मिला हुआ था 16%, उसको घटाकर कर दिया 12 से 13%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12 से 13%। साथियों ये था आज का हमारा मुख्य समाचार, जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशन चैनल, और साथ ही साथ हमें अनअकैडमी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और साथियों कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब थी और उसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो इस वजह से मैं डेली करंट अफेयर्स वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। और कंप्लीट आप जून मंथ का करंट अफेयर्स पढ़िए, उसमें आपको कंप्लीट मिल जाएगा, डेली डेली वाला कंप्लीट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।